शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिजली ओ बिजली, देखते ही मन में एक तूफान सा मचल जाता है। हाय बस, पहले चमेली की इज्जत पे नजर डाली, फिर हम पे नजर डाल रहे हो। अगर हमने तुम्हें तुम्हारी बापू की सजा नहीं दिला दी ना, हम भी अपने पापा की बेटी आशी ने हमारी जिंदगी पर बात करके रख देंगे, तुम्हें तलाकों के पीछे डाल देंगे। अगर तुमने मेरे परिवार को कोई भी दुख पहुंचाया, कुछ भी गलत किया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सच में इस घर का भला चाहती हो या भला चाहने का सिर्फ नाटक कर रही हो? हमारी बेटी की सगाई में रोड़ा डाला ना, देख लेना। राम जी, सिद्ध हमारी बात नहीं मान रहा, अब आप ही कोई ऐसा करिश्मा कीजिए कि राघव का सच सिद्ध के सामने आ जाए और सिद्ध राघव जैसे दरिंदे से निधि को बचा ले। कहाँ जा रहा है? मासी, कला क्रिएशंस की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बस उसी के लिए। घर में इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन? मासी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो राघव और निधि की एंगेजमेंट छोड़ के मैं कभी नहीं जाता। लेकिन सिद्ध भाई, हमारी सगाई में आप प्लीज मुहूर्त के पहले आ जाइएगा। आपके बिना ये सगाई हो ही नहीं सकती। एक तो बाबा भी नहीं है और कुणाल भाई भी नहीं है, और उसमें अगर आप भी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आने का ट्राई करता हूँ। और हाँ, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ, अगर मुहूर्त हो जाए तो फिर सगाई कर लेना, मेरा वेट मत करना, ठीक है? सिद्ध सही बोल रही है, तुम्हारा होना बहुत जरूरी, कोशिश करना कि जल्दी मीटिंग खत्म करो और वापस आ जाओ। जी मैं ट्राई करूँ। चाहेंगे तुम्हे इतना, चाहेंगे तुम्हे इतना। अब समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर गया। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने से, तुम्हारे सामने एक बार मन कर विश्वास, एक बार मन कर, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए, एक बार मन कर, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, सिद्ध अब तक नहीं आया। सिद्ध को फोन करो, पता करो कहाँ है वो। अंकल सिद्ध का फोन स्विच ऑफ है। डोंट वरी निधि, सिद्ध भाई आ जाएंगे, डोंट वरी। राम जी प्लीज कुछ कीजिए, हमारी निधि की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। कुछ तो ऐसा कीजिए कि ये सगाई ना हो। इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है, किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे, अब हम ही कुछ करेंगे। नीलिमा जी, हमें लगता है हमें अब सगाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। शुभ मुहूर्त पे होगी तो अच्छा होगा ना। लेकिन सिद्ध अब तक आया नहीं है तो। हाँ, लेकिन सिद्ध ने तो कहा ही था कि उसके लिए वेट ना किया जाए। अब देखिए ना, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है तो हमें लगता है सिद्ध का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब सगाई शुरू करें। ठीक है।
आशी भाभी जी बहुत अच्छी है। हमें इंसाफ दिलाने के लिए वो अपने पूरे परिवार के खिलाफ चली गई हैं और आज उन्हीं की बहन के साथ इतना गलत। राघव बहुत बुरा इंसान है, इससे निधि की सगाई मत होने दीजिए। कोई तो चमत्कार कीजिए कि ये सगाई रुक जाए। भगवान जी, हेलो, आपके पति मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है। प्लीज जल्दी आइए। व्हाट? क्या रहा? क्या हुआ बेटा? अंकल, सिड का एक्सीडेंट हो गया है। और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आशी, अब समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर गया। कतई जहर। ये सिड और आशी ना, दोनों हमारे परिवार की खुशियों पे कुंडली मार के बैठे हैं। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, इनका बुरा साया पड़ जाता है। निधि की सगाई नीलिमा जी के बेटे से होने ही वाली थी, पर इन वक्त पे सिड का एक्सीडेंट। ये भी अभी होना था। डॉक्टर, हमारा सिड ठीक तो है ना? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उनका ऑपरेशन तो हो गया है, पर उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। क्रिटिकल? डॉक्टर, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए, मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, एक्सक्यूज मी। उस चमेली ने बहुत ड्रामा कर लिया। चांस अच्छा है, चल उसके ड्रामा का दी एंड करते। हम जानते हैं सिड आपका कसूरबार है,
का गुनहगार है और हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी क्यों हमें उसे ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है? हम उसके साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख पा रहे। क्यों हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए? हम उससे लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, पर क्यों हमारा दिल कहता है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान जी, हमने तो आपसे आशी भाभी की बहन की जिंदगी बचाने के लिए कहा था, उनकी सगाई रोकने के लिए कहा था, पर हमें क्या पता था कि सिद्ध भैया के साथ इतना बुरा हो जाएगा। भगवान जी प्लीज कुछ भी करिए, सिद्ध भैया की जिंदगी बचा लीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। भगवान जी प्लीज, प्लीज भगवान जी। क्यों, तुझे क्या लगा तू मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेलती रहेगी और मैं खेलने दूंगा तुझे? एक्चुअली गलती मेरी है तो तुझे उस रात जिंदा छोड़ दिया। अरे तेरे साथ मजे तो लिए थे ना मैंने। अगर तुझे उस रात मौत दे रहता ना तो मैं आज तेरी प्रॉब्लम में नहीं फंसता। पर चलो कोई नहीं, Let's take a chill pill. जो काम उस दिन अधूरा रह गया था उसे मैं आज पूरा कर देता हूँ। कहाँ? राघव जी हमें जाने दीजिए। अच्छा चमेली, फोन लो। हमने इसमें अपना नंबर वन नंबर पे सेट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो जब भी तुम्हें हमें कॉल करना हो सीधे वन नंबर को बहुत देर तक प्रेस करके रखना, हमें कॉल लग जाएगा। चमेली चल चल, चुपचाप अपना सुसाइड नोट लिख। लिख के हम आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं लिखेंगे। बहुत गलत कर रहे हो राघव। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, नहीं तो उड़ा दूंगा। हम चमेली अपने पूरे होश आवाज में आत्महत्या कर रहे हैं। देखो, गुड गर्ल। हमने पैसों के लिए राघव पे हमें बेइज्जत करने का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन पैसे तो हमें मिले नहीं। लिखो,
उल्टा हम खुद ही फंसते जा रहे हैं। लिखो। उल्टा हमें डर है कि कहीं पुलिस ही ना हमें पकड़ ले, हमें ही ना सजा दे दे, इसलिए हम खुद ही मर जाते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं। देख क्या रही हो, अभी तुम ऐसी ही दिखोगी। देखो। हम ही ने उसको जानबूझकर फंसाया। राघव ने कुछ गलत नहीं किया, हमने खुद ही उसको फंसा दिया। वाह, क्या सुपर्ब लेटर लिखा है। 100% प्योर आत्महत्या। अब आत्महत्या करने के लिए रेडी हो जाओ। यू चमेली, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। तूने और आशी भाभी ने मिलकर मेरा जीना आराम कर दिया। क्या थोड़ा सा फनी किया था ना तेरे साथ? क्या चुप रहती? क्या जरूरत थी बताने की? मेरे को एंटरटेन करने के थोड़े से पैसे ले ली थी, तेरा भी भरा हो जाता, लेकिन नहीं, तुझे इंसाफ चाहिए है ना? चल ठीक है, मैं देता हूँ तेरे को परमानेंट इंसाफ। जी आ गई इंसाफ की देवी। हाँ चलो, पहले चमेली को ठिकाने लगाने से पहले आपको ठिकाने लगाता हूं।
रुको सिट रुको हमें तो लगता था हमारा राघव बहुत अच्छा लड़का है लेकिन नहीं क्यों मारे हो छोड़ दो उसे मासी बोले गा रही चमेली का इतनी गंदी हरकत की है इसने क्यों किया तूने ऐसा क्यों किया तूने बोल बोल मेरी ममता भी क्यों लालचन लगाया राघव